दोस्तों आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा दंगल। पहले मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाले महावीर पहलवान साहब की सच्ची कहानी पे ये फिल्म आधारित है और महावीर साहब ने एक छोटे से गांव में रहते हुए अपनी बेटियों को लड़कों के साथ कुश्ती लड़ाने का सोचा भी था, इसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। मैं एक छोटे गांव से हूं, मुझे पता है कि उन्होंने लोगों के कितने ताने सुने होंगे, उन्होंने लोगों की कितनी गालियां सुनी होगी, उन्होंने लोगों की कितनी बातें सुनी होंगी जब उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा कि वो अपनी बेटियों को लड़कों के साथ कुश्ती लड़ाएंगे। बट कहते हैं ना कि जीतते वो नहीं है जो बहते पानी के साथ बह जाते हैं, जीतते वो हैं जो पानी की धार को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज महावीर साहब की जीत हुई और उन लोगों की हार हुई जिन्होंने उनको बुरा भला कहा था। कहानी ये है कि एक पहलवान है जो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था और वो जीत नहीं सका। और जब इंसान जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता तो उसकी आखिरी उम्मीद रह जाती है कि उस काम को उसका बेटा करे और उसको तसल्ली हो कि यार वो काम वो नहीं कर सका और उसके बेटे ने कर दिखाया। तो उस पहलवान को भी एक बेटे की ज़रूरत थी जो उसके सपने को पूरा करता, बट अनफॉर्चुनेटली उसको बेटा नहीं होता, सिर्फ चार बेटियां होती हैं। और फिर एक दिन उस पहलवान की समझ में आता है कि यार गोल्ड मेडल तो लड़की भी जीत सकती है, लड़का ही क्यों। और फिर वो अपनी बेटियों को पहलवान बनाता है और एक दिन वो बेटी उस पहलवान के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाती है और ये साबित कर देती है कि लड़कियां भी माँ बाप का सपना पूरा कर सकती हैं, लड़कियां भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितने लड़के। ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। इस कहानी को देखकर लाखों लड़कियां और लाखों फैमिलीज इंस्पायर होंगी, बट फिल्म वाइज सेकेंड हाफ में थोड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंड हाफ वही ट्रेनिंग एंड फिर कुश्ती राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री। डायलॉग्स बहुत बढ़िया हैं अकॉर्डिंग टू फिल्म एंड सिचुएशन। म्यूजिक तीन गाने हैं, एक गाना बापू ऑलरेडी हिट है, बाकी के दो गाने ठीक ठीक हैं। नीतीश तिवारी जी का डायरेक्शन बहुत बढ़िया है, उन्होंने एक अच्छी कहानी लिखी है और एक अच्छी साफ सुथरी इमोशनल फिल्म बनाई है। उन्होंने फिल्म के सभी डिपार्टमेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। एक्टिंग ऑफ कोर्स आमिर खान ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है, उन्होंने अपने जवानी के रोल और बुढ़ापे के रोल को बखूबी निभाया है। साक्षी तन्वर ने भी उनकी वाइफ के रोल को बहुत अच्छे से किया है। ग्रीस ने अपने कोच के रोल को बहुत बढ़िया से निभाया है और फातिमा ने गीता के रोल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। सानिया मल्होत्रा ने छोटी बहन बबीता का रोल किया है और उन्होंने अपने रोल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। उनकी मुस्कुराहट बहुत ही प्यारी है और ये उनकी जीत का सबसे बड़ा हथियार है। अब यहां देख लेते हैं कि सुल्तान और दंगल में क्या कम और ज्यादा है। सुल्तान में
एक बेहतरीन म्यूज़िक था, सुल्तान में वो सारे लटके झटके थे जो एक कमर्शियल फिल्म में होने चाहिए, सुल्तान में एक लव स्टोरी थी, सुल्तान में सलमान अनुष्का एक बहुत ही बढ़िया पेयरिंग थी, सुल्तान पूरी फिल्म फुल ऑफ एंटरटेनमेंट थी। वहीं दंगल एक आर्ट टाइप फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। इसमें सुल्तान जैसा एंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें सुल्तान जैसे लटके झटके नहीं है, इसमें सुल्तान जैसा सुपरहिट म्यूजिक नहीं है, इसमें सुल्तान जैसा इमोशन ज़रूर है। तो मैं आमिर खान को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई जो दुनिया को बताएगी कि देखो, जब घर में बेटा होता है तो तभी मिठाई नहीं बांटनी चाहिए, जब बेटी होती है तो तब भी बैंड बाजा बजाना चाहिए, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही बराबर हैं। कुल मिलाकर दंगल एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, एकदम साफ सुथरी फैमिली फिल्म है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया टैक्स फ्री हो जाएगी। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 3 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 10। मैं समझता हूं कि ये फिल्म 250 करोड़ से 300 करोड़ के बीच में कहीं बिजनेस जरूर करेगी। आप भी जाइए और इस फिल्म को एक बार तो जरूर देखिए। टेक केयर।